एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन व्लॉगर प्रिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं निकल रही हूँ अभी, यहाँ मम्मी के घर से देहरादून जा रही हूँ। मुझे कुछ कॉलेजेस का पता करना था। जो कोर्स मैं दिल्ली से करने वाली थी वो मैं देहरादून से करने का सोच रही हूँ। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। वर्थ नहीं लग रहा है एक तो दिल्ली से करने का, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है निकू। तो अगर मैं देहरादून से कोर्स करती हूँ तो मैं निकू को यहीं अपने पास बुला लूँगी, क्योंकि उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। वो थोड़ा सा सीरियस टाइप होता जा रहा है, इतना हंस नहीं रहा है। ऑब्वियसली उसे मेरी याद आ रही है, तो ऐसा ना हो कि इस चीज़ का उस पर असर पड़े। तो इसलिए उसे मैं अपने साथ ही रखूँगी और साथ रखते हुए ही मैं कोर्स करूँगी। तो उसी के लिए मुझे कॉलेज का पता करने जाना है। तो मैं अभी घर से निकल रही हूँ, बारिश है बट ठीक है। दो तीन कॉलेजेस देखे हैं गूगल पे, उन्हें कॉल भी करा था कल, तो उन्होंने बोला था आज मिलने के लिए, तो मैं आज जा रही हूँ। सो दिस इज़ माई आउटफिट। स्टॉल इसलिए क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रहा है, तो एसी चलाऊंगी गाड़ी में, तो यहाँ पर मेरे को अगर ठंडा लगता है ना तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो यहाँ ये नेक कवर करने के लिए। आलू पराठा मैं खा चुकी हूँ, तो अभी बस चलती हूँ, निकलती हूँ यहाँ से देहरादून के लिए। तो एक जगह मैं देख कर आ गई हूँ और अच्छा है कॉलेज जहाँ पर मेरे को कोर्स करना है, समझ आ रहा है थोड़ा। अभी दूसरी जगह जाना है पर ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा अगर इसकी टक्कर का नहीं हुआ तो शायद मैं यही वाला फाइनल करूँगी। और अभी जाती हूँ, अभी मुझे ईवर आरवी के लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं। एक जगह पूछ चुकी हूँ, नहीं मिला, तो अभी दूसरी जगह जा रही हूँ, रास्ते में ही पड़ेगा। अभी दूसरा कॉलेज भी होकर आ गई हूँ और अभी मैं आई हूँ दीदी के घर, खाना खाऊँगी। ईवा मैडम का गिफ्ट आया है। क्या है ये? मैंने उल्लू बनाया क्यों? क्या है ये? ये नेल पॉलिश। इबू को पसंद है ना? सारा मेकअप का सामान पसंद है इसको, तो मुझे मेकअप नहीं मिला तो फिलहाल मैं नेल्स के लिए ले आई। नेल आर्ट का बॉक्स है। अभी दूसरा भी आएगा, भाई के लिए भी एक गिफ्ट है, वो भाई देखेंगे। हाँ, मैं देखूं भाई के लिए। नहीं, आप नहीं देख सकते अभी। क्यों देखूंगी मैं? देखूंगी। मैं तो नहीं दिखाती। मैं दिखाऊंगी। खोल के देखो, मम्मा को बोलो, मम्मा खोल दो। खोल दो ना, जहाँ टाइम वेस्ट करो, मम्मा खोल दो ना। तो ये है हमारी ईबू दीदी की छोटी बेटी, ईवा नाम है इसका। स्कूल का नाम लक्षिता है और इसे मेकअप का बहुत शौक है, हमेशा मेरे मेकअप किट में घुस जाती है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, ऐसे ही कुछ ले जाया जाए। अब नेल पेंट आए हैं तो लगाना भी ज़रूरी है, तो साथ साथ इसका नेल पेंट लगा भी दिया ताकि थोड़ी देर खुश हो जाए। और ये है दीदी का बड़ा बेटा आरवी, स्कूल का नाम है रण विजय। और ये बहुत ही सीधू बच्चा है घर का। इग्निस कौन होती है? बदमाश। हाँ हाँ, इसके पेट में नहीं पच रहा तब से। ये कौन सी ड्रेस है आरवी? क्रॉक्स में बोला है। हॉट व्हील के नाम में मैंने कहा क्या है, तो उसने गाड़ियाँ दिखाई, ट्रक दिखा, मैं गाड़ी से छत थी उसके पास। दीदी के आगे छोटी सी पेट। ओली, क्या हुआ? और दीदी के यहाँ है दो बर्ड्स, कीनू पीनू नाम है इनका। ये है कीनू और पीनू दूसरी है, वो बहुत बाइट करती है तो उसको हम जल्दी से गोद में नहीं लेते हैं, ग्लव्स पहनकर उसे निकालना पड़ता है। पर मेरा फर्स्ट टाइम था बर्ड को उठाने का और ये बहुत हल्का सा काटती नहीं है, बहुत हल्का सा कुछ हाथ पे लगता है, बट बहुत प्रिटी है दोनों बर्ड्स। नहीं बेटा, नहीं बेटा, कैसे कर रही हो आज, कैसे निकाल रही हो? निकालती आओ।
एक बार बिल्ली कुत्ते वगैरह जब देख लेते हैं ना हमेशा मुझे पता है जब चिल्लाई मिल रही है। जो दो बर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था उसमें से एक बर्ड पीनू जो कि ग्रीन येलोइश कलर में थी वो मर गई है। दीदी ने इनका पिंजरा बाहर रखा था बालकनी में और वहाँ पर एक बड़ी बर्ड आ गई। तो ये ब्लू वाला तो थोड़ा सीधा है, ये पीछे छुप गया, पर ये वाली बर्ड आगे आ गई उससे लड़ने के लिए और उसने इसके गले में बाइट कर दिया। और दीदी और इबू दोनों घर पे थे, वो दोनों रोने लग गए, उन्हें समझ नहीं आया क्या करना है। लास्ट में इस बर्ड ने दीदी के हाथ में ही दम तोड़ दिया और उसके बाद से माहौल घर का कुछ ऐसा है। फिर इसे हम घर के नीचे दबा कर आ गए। ईवा ने तो देख ही लिया था पर दीदी नहीं चाह रही थी कि आरवी इस सीन को बिल्कुल भी देखे। अरे बाबा जो एक बर्ड रह गई थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बिल्कुल टच नहीं करने दे रही थी, बहुत चिल्ला रही थी अगर उसे पकड़ रहे थे तो, और ना ही वो कुछ खाना कर रही थी ना पानी पी रही थी और जैसे बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी डर के मारे। तो उसको थोड़ी देर हमने रूम में खोल दिया पर बार बार उड़ के वो पिंजरे में ही जा रही थी क्योंकि इन बर्ड्स को तो पता ही नहीं होता है कि इन्हें उड़ना भी आता है, इन्हें आसमान में जाना है। इनको तो बस ये है कि यही हमारा घर है, हमें यहीं रहना है। खैर थोड़ी देर बर्ड ने और बच्चों ने मिलकर इन्जॉय करो और खुश हो गए सब। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे और सैटरडे को घर में प्लान है सफाई का, मेड नहीं आ रही है। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ दीदी के घर, मेरा जो कोर्स मुझे करना था वो मैं देहरादून से कर रही हूँ, अब सब कुछ चेंज हो गया है प्लान, तो मैं यहाँ पर दीदी के यहाँ रुकी हुई हूँ। तो ये वाला रूम मेरे को मिला है जो कि दीदी और का फ्रंट रूम था और ये दोनों बच्चे मेरे साथ सोते हैं, इबू भी आरवी भी। आरवी सो रहा है, आज छुट्टी वाला दिन है, ये मम्मा के पीछे पीछे उठ जाती है, जल्दी उठ जाती है। आरवी सो रहा है, ये जागी है। दीदी जी जो सफाई कर रहे हैं, ये बड़े बड़े खिड़कियाँ हैं ना, इसका कांच साफ़ करना पड़ता है, आजकल छीटे छीटे पड़ जाती है बारिश से, तो वो लोग आज ये साफ़ कर रहे हैं। मेड हटा दी है दीदी ने घर से क्योंकि पता नहीं जो भी रीज़न था, अभी नई नई मिली है तो तब तक घर का काम खुद ही करते हैं। तो उनको झाड़ू मारना है, देन ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। क्लास से मैंने कल वो बनाया था ब्रेड, वाइट ब्रेड मैंने बेक करा था तो वो घर को दे देते हैं, तो फिर हमारा नाश्ता वही होने वाला है, ब्रेड होने वाला है। और चलो देखते हैं, घर के काम करते हैं, उन दोनों को दिखाती हूँ क्या मिल बांट के प्यार से काम कर रहे हैं दोनों। झाड़ू मैंने मार दिया है, अभी ये लोग बालकनी धो रहे हैं तो फिर ये पाइप लगा रखा है। उतनी देर में नहा के आती हूँ, बहुत स्वेटिंग हो रही है, चिपचिप लग रहा है, नहा करा के फिर इनके लिए बच्चों को नाश्ता बनाऊंगी। हेलो, तो ये है वो ब्रेड लोफ जो मैंने बेक करा था, ऑब्वियसली पूरा साबुत है, कटा नहीं है, तो इसको काटना है। बट घर पे अपने छोटे से नाइफ होते हैं ना, और प्रैक्टिस भी नहीं अभी काटने का, तो थोड़ा थोड़ा साइज़ में डिफरेंस आ रहा था ब्रेड में, पर बाकी सब सही था, अच्छे से ब्रेड कट गई थी। और फिर उसके बाद हमने साथ मिलकर ब्रेड और चाय का नाश्ता करा। हमारा बन रहा है अभी लंच, कढ़ी बन रही है, उससे पकने में टाइम लगेगा, तब तक पकौड़ियाँ बन रही है। ऑलमोस्ट काम सारा खत्म हो गया, तो बस
लंच वंच करके हम लोग तो लंच करके हम लोगों को जाना है अलग अलग जगह। वो भी मिस क्या हुआ ईवा सुबह सुबह आती है कहती पापा मैंने बेड फाड़ दिया बेड बेड लगी थी तो उसने मुंह से ऐसे करके फाड़ दिया बेडशीट। तो वो बोलती है बेड फाड़ दिया तो समझ गया उसके ऐसे हवाइयां उड़ रखी थी पापा बेड फाड़ दिया मतलब मम्मी को कौन बोलेगा वैसा वाला हो रहा था उसे। उसको ना कुछ दिनों से हैबिट पड़ रही है ऐसा करके खींचने की ना कपड़े उसने बस बेडशीट के साथ वही करा उसे आइडिया नहीं था कि फट जाएगी तो अच्छी तरह से बेडशीट थी वो सुहा हो गई। पर उसका वो इतना डर गई थी कि उसको देखकर फिर दीदी कुछ डांट ही नहीं पाई कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि फिर वो और डर जाती रो जाती तो खैर मजाक में वो चीज खत्म कर दी। इबू कहाँ जा रही है पीनू क्या पीनू लेने तो प्लान में आ गया थोड़ा सा चेंज। हमारा आज का प्लान था कि हम लोग मूवी जाएंगे रॉकी और रानी की कहानी लव स्टोरी जो भी वो वाली मूवी हमें जाना था पर वैसे गदर भी रिलीज हो गई है कल पर गदर तो खैर कभी भी देख लेंगे और वैसे गदर के शोज बहुत फुल जा रहे हैं तो उसका भी टिकट कराना पड़ेगा पर फिलहाल हमें ये वाली देखनी थी। पर हमसे गड़बड़ क्या हुई कि मैंने कल टिकट चेक करे पर मैं उसे बुक करना भूल गई तो हमारा आज का फिर सारा प्लान कैंसिल हो गया मूवी का। तो कल का हो गया टिकट बुक कल हम लोग अब मूवी जाएंगे तो आज बच्चों को सुला दिया है अभी जीजू सुला रहे हैं और हम लोग बाकी अपने काम करके आते हैं मैं और दीदी। एक तो हमें जाना है एक भैया के घर रक्षाबंधन में वो यहाँ नहीं है वो जा रहे हैं US तो हम उन्हें राखी देने जा रहे हैं और दूसरा काम है हमें ग्रोसरीज लेनी थी जो कि हमने संडे के लिए सोचा था तो वो भी हम आज ही निपटा देते हैं। और एक हमें जाना है तनिष्क पे वहाँ पर भी हमने कुछ ऑर्डर पे दिया था वो आज मिल रहा है तो ये तीन जगह हमें जाना है ये काम निपटा के हम लोग वापस आते हैं। तो हुलिया हो गया ठीक ठीक लग रही ना मैं हो गई हूँ रेडी दीदी को जाके देखती हूँ विकेट डाउन no. तो उसको तो ठीक है दिया हुआ है आपने क्यों चद्दर ले रखी है माहौल बनने वाला है। तो हम लोग आए तनिष्क मैंने ब्रेसलेट ऑर्डर करा था ऐसा स्लीक सा ब्रेसलेट था बहुत टाइम से मन था मेरा तो फिर वो ऑर्डर दिया था वो आज मिलेगा फाइनली मेरा सोना हाथ भर आ जाएगा सोना हाथ। अच्छा तो मैं इसमें कड़े तो नहीं पहन सकती ना कि टी शर्ट पहनू और साथ में कड़े पहन के आ जाऊँ तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि मेरी गलती की वजह से बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए तो उनके लिए कुछ तो रिश्वत बनती है तो इसीलिए यहाँ से हम उनके लिए डोनट लेकर गए। ये देखो मौसी क्या लाई इबू किस पे वीडियो बनाएगी आज सावन बरसा पिचू सबर का पानी जीसु जीसु मौसम चाय दत्तो जवानी ये माँ बेटी आज कुछ तो करने वाली है काफी साली की खंजर मम्मा के पास बेटा बस मम्मा का देखो जी ने मेरे को गिफ्ट दिया है पता चला गौरव पूछ जाएगा पैसे मेरे और क्रेडिट कार्ड का। तो ये है मेरा ब्रेसलेट बारीक सा बहुत स्लीक सा मुझे ऐसा कुछ चाहिए था
तो फाइनली मैंने इसे बनवा लिया और इसे मैं परमानेंट पहनने वाली हूँ। खैर बच्चों ने इसके बाद लिए डोनट के मज़े और उसके बाद देखी मूवी, थोड़ी देख पाए जो कि थी गदर पार्ट वन, क्योंकि आज तक दीदी ने गदर नहीं देखी थी, दीदी ने अब बताया तो हमने कहा ठीक है सेकंड देखने का टाइम आ रहा है तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखा जाए। खैर इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हुआ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।